फ्रेंड्स ये आ गया है बीच जो इस होटल का अपना है और आप देख रहे होंगे ट्रेन चल रही है यहाँ पे। ये देखो हरप्रीत एसडीसी का रोता हुआ चेहरा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डिनर के लिए और डिनर यहाँ पे आप मतलब काउंटर में आप देखते रह जाओगे। ये देखिए फ्रेंड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सुशी काउंटर। फ्रेंड्स अब हम आ गए दुबई मरीना। यस दुबई मरीना। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं स्विमिंग और यहाँ का अब हम आपको दिखाएंगे बीच और करेंगे स्विमिंग पूल में स्विमिंग। आर यू गाइस रेडी? कितना रेडी? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आप कुछ बोल रहे हो? बीच 6 o'clock तक ओपन है और स्विमिंग पूल 8 o'clock। तो भागे हम वरना लेट हो जाएंगे। फ्रेंड देखो हम उसी एक्वेरियम से निकलेंगे जो आपने हमारा कल का ब्लॉग में देखा होगा और अगर वो आपने एक्वेरियम छोड़ दिया है कल के ब्लॉग में तो कल का ब्लॉग जरूर देखना लेकिन इस वाले ब्लॉग के बाद, क्योंकि ये जो हमारे दुबई के ब्लॉग्स हैं ना ये बहुत बढ़िया होने वाले हैं और दुबई के ब्लॉग्स में जो सबसे बेस्ट रहा वो रहा हमारा अटलांटिस का स्टे जो कि अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो धोनी आपको अटलांटिस में कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चले हम लोग बीच की तरफ। यस चलो बीच की तरफ। रोवल पूल एंड बीच और ये बहुत एक्साइटेड होने वाला है। आप धोनी को तो देख ही सकते हो वो कैसे भागी हुई फिर रही है बीच के नाम से। शी इज सो एक्साइटेड। फ्रेंड्स अब हम बाहर आ गए हैं होटल से क्योंकि अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ क्योंकि बीच तो ओपन में ही हो सकता है लेकिन पता नहीं दुबई वाले कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग बीच भी किसी मॉल में ही बना दें लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी फील होने लगी है। बीच पे जा रही हूँ मैं पूल में नहीं जाऊंगी। अरे छोड़ यार हमें कोई मतलब नहीं है तुम पानी में जाओ मत जाओ। मैं स्कूटर चलाया था ना वहाँ पे मेरी लैग पूरी बर्न हो गई थी तो वो हैविस में क्लोरीन होता है तो मैं नहीं जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं। और दीदी की तबीयत खराब है उनके हल्का सा स्टमक पेन है तो थोड़ा बहुत वो थोड़ा सोच रही है कि आगे का ट्रिप हमारा खराब ना हो तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम तो अपना एंजॉय करें। राइट धोनी? धोनी तेरे लिए कौन रुकेगा बता? जिनी देख तू अपने फ्रेंड्स को बोल के वो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब तब पता चलेगा। हाँ, आप इस वीडियो को इतना फैला देना क्योंकि हमारी जिनी स्विमिंग में स्विमिंग करने नहीं जा रही। फ्रेंड देखो मैं देख रहा हूँ आप वीडियो को लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फ्रेंड नहीं कर रहे ना आप लोग जल्दी से कर दो जल्दी से 1 2 3 यस और जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो। देखो सब्सक्राइब का बटन होना चाहिए ग्रे, अगर अभी रेड है अगर रेड है ऐसा वाला तो उस पर क्लिक करो और उसको कर दो ग्रे और ग्रे है तो ऑलरेडी छोड़ दो। तो चलो मैं आपको लेके जाता हूँ बीच पे। अब देखो व्यू। फ्रेंड्स मैंने इतनी तेज घुमाया आप लोगों को दिखाई नहीं होगा तो मैं आपको इसको फिर से स्लो मोशन में घुमाता हूँ। फ्रेंड देखो ये होटल है लेकिन हम रुके हैं पाम व्यू में वो हम आपको दिखाएंगे अगर कहीं से दिखेगा तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ बीच व्यू। फ्रेंड्स ये आ गया है बीच जो इस होटल का अपना है और आप देख रहे होंगे ट्रेन चल रही है यहाँ पे और देखो मतलब रेगिस्तान में इन लोगों ने समंदर बसा दिया। समंदर गजब। हाँ जी क्यों जिनवानी कर रहे हो आप? रिंग संभालनी है लगभग जाएगी किसी को। तो फ्रेंड यहाँ पे ये देखो बच्चों का हाल। फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल मन नहीं था पानी में आने का बट फिर भी इन्होंने जबरदस्ती मेरे को देखो पूरा गीला कर दिया। इससे बेटर तो मैं कॉस्ट्यूम में आ गया। और फ्रेंड देखो बीच में धोनी ऊपर आ रही है पानी में से। ये देखो गुनीत इधर से उधर घूम रही है। गुनीत आप कहाँ घूम रहे हो? गुनीत आप कहाँ घूम रहे हो? जा रही है सब एंजॉय करने में लगे हुए हैं। फ्रेंड अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से यहाँ का व्यू क्योंकि यहाँ पे लोग व्यू के लिए आते हैं और इतनी अमेजिंग चीजें हैं। मतलब पापा कर रही है कोई बात नहीं मतलब ये पापा कर रही है। मैं सोचो 360 डिग्री में आपको दिखाया जाए कुछ। ये देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक जगह रोकूंगा आप बताना उस होटल का नाम क्या है। वो शायद यहाँ पे आ ही नहीं रहा ये वाला वो शायद अभी आ नहीं रहा। मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में जूम करके दिखाऊंगा। वो दुबई का 7-star होटल है और पूरे वर्ल्ड में अकेला वो 7-star होटल है। ये देखो ये मुझे कोई वहां से वेव कर रहा है तो ये तो अपने ही लोग लग रहे हैं।
ये तो अपने ही लोग लग रहे हैं जो हमें वेव कर रहे हैं। तुम लोग पानी से बाहर क्यों आ गए, मन नहीं कर रहा? नहीं, ये ध्वनि नहीं आई। तो अब देखो, हमें यहाँ पे गार्ड अंकल कह रहे हैं कि जहाँ जल्दी निकलो क्योंकि आप लोगों ने पानी गंदा कर दिया है। हाँ, है ना, आप लोगों ने पानी गंदा कर दिया। अब जो मतलब इस फ्रेम में ना, हम लोगों ने पानी गंदा कर दिया है। फ्रेंड्स को तो फ्रेंड्स ही बता दिए किसने पानी गंदा किया है। रमनी जी, ये मतलब बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये चाहते हैं कि हम छोटी जगह से निकल के बड़ी जगह में जाएं, तो हम स्विमिंग पूल में जाएंगे। ये दुबई है, यहाँ पे हाथ काट देते हैं भैया शराफत से। चलो, तो आर यू गाइस रेडी? रेडी। अनन्या रेडी? यस। हरप्रीत जी, आर यू रेडी? ये देखो मैंने क्या जुगाड़ किया। चले स्विमिंग पूल। हाँ चलो, पूल ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन। आप ज्यादा जुगाड़ में मतलब हो, हम लोग चलते हैं स्विमिंग पूल। चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पापा सुला रहे हैं ध्वनि के आर्मबैंड, और मेरी निकल चुकी है हवा, क्योंकि हवा निकल के जा रही है इस आर्मबैंड में। ध्वनि का हाल फ्रेंड, मतलब बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मम्मी है कि चुप ही नहीं हो रही है। मम्मी चुप नहीं हो रही है, पापा चुप नहीं हो रहे हैं। सतेंद्र, आप ही बता सकते हो कौन चुप नहीं हो रहा है? पापा चुप नहीं हो रहे। अब बताओ फ्रेंड्स, अगर मम्मी बोले जा रही है तो मतलब पापा भी तो कुछ बोलेंगे। मम्मी करती भी तो है। और क्या, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाजी शार्क को पकड़ते हुए हैं। सबसे बड़ी शार्क, इन्होंने शार्क को पकड़ लिया है। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही शार्क है जिसको मैंने इंडिया का जब रिप्रेजेंट किया था, मैं इसके ऊपर बैठ के गया था। आप देखो, आप गाइस कितना प्रोफेशनल हो मैं इसमें। आप देखो, ये देखो बैठा हूँ इस पे, और मैं जा रहा हूँ हवा छू। फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे पूल में कर रहे हैं एंजॉय, और हम पूल में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रमनीत जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, और उनका जो शोल्डर है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। लेकिन थैंक्स टू पुनीत, उनको पता था कि वो कैसे उसको वापस अपनी जगह पे लाना है, तो डॉक्टर्स के पहुँचने से पहले उन्होंने वो काम कर दिया, क्योंकि उनका ऑलरेडी 3 बार वो हो चुका है 3 सालों में। और थोड़ा हम लोगों का मूड उसी तरीके का है अभी, क्योंकि अगर हमारी एक फैमिली का मेम्बर के साथ ये होगा तो दर्द होता है, और उनकी हालत हमसे देखी नहीं गई थी। तो हम अब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा मूड ऐसे ही है। फ्रेंड, आपने ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा, बदतमीज जानवर वाले इंसान, तो ये आज हमारे साथ है बदतमीज जानवर वाले इंसान। यहाँ पे गेम चल रहा है कि हरप्रीत जी की टी शर्ट कहाँ तक पहुँचेगी। पक्का? मतलब आप अपने सारे व्यूअर्स के सामने ये बात बोल रहे हो? तो व्यूअर्स की कसम खाते हो आप? नहीं, मैं कसम नहीं खाऊंगा व्यूअर्स की, एक ही दिन में सारे अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। व्यूअर्स की कसम खाओ तो एक ही दिन में सब अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। अनन्या, ये देखो हरप्रीत एसडीसी का रोता हुआ चेहरा। हरप्रीत जी, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? रख लो टी शर्ट क्योंकि ये पहनने वाले बनियान। ये देखो फ्रेंड्स, पापा और ध्वनि कर रहे हैं स्विमिंग। ध्वनि ध्वनि तू बता के कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स देखो, ध्वनि डर रही है एंड पापा उसको ले गए। ध्वनि ने लाइफ जैकेट पहन ली है, तभी इसकी चीखें निकल रही है। ध्वनि नो, ध्वनि को गोदी आना है। ध्वनि रिलैक्स फ्रेंड, देखो इसकी हालत रिलैक्स है। कितनी पापा ये कह रही है, मैं इसे छोड़ दूं, तो मैंने इसे छोड़ दिया। नहीं, इसको मत छोड़ो। देखो,
ध्वनि कैसे रो रही है? ध्वनि आप क्यों रो रहे हो? अपने फ्रेंड्स को बता रहा आपको छोड़ दूं फ्रेंड, देखो मैंने इसे छोड़ दिया के पास छोड़े ध्वनि ऐसे डरते हैं कोई? फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कैसे ध्वनि को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। फ्रेंड देखो मतलब ये क्या कर रही है ध्वनि, देखो कितनी मेहनत कर रही है इस स्विमिंग पूल से बाहर जाने के लिए, और इस स्विमिंग पूल में इतना एंजॉयमेंट है। देखो ठीक कह रहा हूँ मैं सुना यार? यस, मुझे स्विमिंग नहीं होती इसलिए मैंने इसको बाहर डाल के ऐसे स्विमिंग। मजा आ रहा है ना इससे? बहुत मजा आ रहा है। तो ध्वनि आपको क्यों नहीं आ रहा मजा? पक्का प्रॉमिस तू आएगी? अच्छा तो फिर अगर देख तू प्रॉमिस करे तो ये भी कह दे कि तू लॉल वाली डॉल नहीं लेगी। लॉल वाली डॉल क्यों लेगी? लॉल की डॉल हमेशा बीच में आएगी। जिनी जिनी हम यहाँ है जिनी 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 मतलब तूने कैसे सोचा कि तुझे भी पानी में आना है? हाँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, हम तेरी बात कोई नहीं सुनेंगे। अरे अनन्या इसका पेट का दर्द कैसे सही हो गया? हाजमोला खाई क्या इसने? वही खाई होगी। जिन्हें तूने क्या खाया? पीपली। जिन्हें एक बात बता, मतलब तू सुबह से सबका दिमाग खा रही थी, उसके बाद तेरे पेट में जगह कैसे बची? मतलब तेरा पेट भी बहुत खाओ पी हुए है, खाओ पीओ पेट है तेरा? मतलब बच्चों पूल से बाहर आना या नहीं आना? शॉपिंग पे चलना या नहीं चलना? ना तो तुम लोगों की भी शॉपिंग कैंसिल करें? शॉपिंग कैंसिल? यहाँ पे देखो रोमांस चल रहा है, रोमांस यहाँ पे देखे, मतलब हरप्रीत एसटीसी का रोमांस चल रहा है, रोमांस ऐसे कर रहे हैं, घर देखो कितना भी है। मुझे लगा यहाँ पे रोमांस चल रहा है लाइव, मतलब हमारे व्लॉग में हरप्रीत जी का रोमांस देखने को मिलेगा आपको। देखो ये मतलब हमने जूम किया शॉट, मतलब अपनी वाइफ से रोमांस नहीं करूंगा तो आपसे करूंगा। फ्रेंड देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनसे आप कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी एंड में अपनी वाइफ को चुना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और मेंबर आ गया है, ये है शनाया। इसके आते घंटियां बजने लग जाती हैं, और पीछे फ्रेंड्स लाइटिंग देखो कितनी बढ़िया कर दी है। तो फ्रेंड आप कमेंट करके बताओ कि आर्मबैंड ज्यादा बेटर है या लाइफ जैकेट? लेकिन आर्मबैंड तो सिर्फ आर्म्स बचा पाएंगे ना, लाइफ जैकेट तो लाइफ बचा लेगी ना। दिखाओ ये हमें दिखा रही है मरमेड की तरह, ये मरमेड बन चुकी है अब। हाँ जी शनाया, yes. हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। okay. तो कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत मजा आ रहा है। अब पूल से बाहर निकलने का टाइम आ गया है? अभी नहीं है, थोड़ी देर पे। 5 मिनट? yes. जिनी ने बोला 5 मिनट रुक जाओ। फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट, आधा घंटा है तो बढ़ता ही जा रहा है टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पे रील शूट हो रही है, आप देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। पहले जिनी ध्वनि निकली, अब सियान निकलेगा, एंड अब गुनीत निकलेगी, शनाया, अनन्या, जिनी, पुनीत, सतेंद्र, हरप्रीत जी, ये आ गए, ये तो फ्रेंड्स बड़ा मजा आया ये रील शूट करके, मजा आ गया, मजा। फ्रेंड देखो ये हमारे पास टावल वाले आ गए हैं। भाई साहब कितने के दे रहे हो? 5-5 रुपए के टावल, मतलब हमें आपसे यही उम्मीद थी हरप्रीत सिंह एसटीसी।
बचाओ बचाओ धक्का दो इनको। One hour later. तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डिनर के लिए और डिनर यहाँ पे आप मतलब काउंटर में यहाँ पे देखते रह जाओगे, आप मतलब काउंटर देखते रह जाओगे कितने सारे हैं और हम आपको दिखाएंगे काउंटर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो अभी एशना ने लिया है ढोकला, ढोकला मैंगो चटनी और ये है तंदूरी सैलेड और साथ में एशना की फेवरेट मिर्च। यस यस। तो एशना तुम सिर्फ यही खाओगी? नहीं मैं अभी। अच्छा अच्छा दिलीप तू क्या लेके आएगी? तो चलो कुछ लेते हैं हम। कुछ नहीं मिला वेज में तो मैं ढोकला से ही पेट भर। ना वेज में बहुत कुछ है यहाँ, पनीर है और मशरूम में जो नहीं खा पाएंगे लेकिन हम मटर जरूर खाएंगे, पोटैटो वेजीज भी है। कुछ ढूंढने हम यहाँ पे? हाँ मेरे को वेज तो ढूंढना ही पड़ेगा यार। फ्रेंड्स यहाँ पापा लग गए अपनी प्लेट लेने में। देखो मैंने लिया रोस्टेड रोजमेरी पोटैटो, ये बहुत बढ़िया होने वाला है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में देखते क्या होगा, खाने में भी अच्छा होगा। और ये ग्रिल्ड जर्क चिकन जो हम खाते नहीं है और यहाँ पे इन्होंने कुछ चटनियाँ मटी सब्जियाँ रख दी है तो हम थोड़ी आगे चलते हैं। ध्वनि आप क्या लोगे? ध्वनि आप क्या लोगे? तेरी भी प्लेट लगवा दूँ? चलो ध्वनि की प्लेट खा लियो ना। हाँ हाँ ठीक है करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सुशी के काउंटर पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी सुशी है। ये देखिए फ्रेंड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सुशी काउंटर, दे हैव टू वेज सुशी वेगन मकी एंड कप्पा मकी, सो लेट्स ट्राई इट। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे सैलेड काउंटर है और ये भी जैपनीज है, जैपनीज सैलेड काउंटर, इट्स ऑसम। ध्वनि तो आपको आपकी फेवरेट सुशी मिल गई है, तो आपको कैसी लगी सुशी का क्या? मजा नहीं आया? अच्छी लग रही है लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं है। अच्छी लग रही है टेस्ट अच्छा नहीं, इसका क्या मतलब होता है? दिखने में तो अच्छी लग रही है पर खाने में अच्छी नहीं लग रही। तो आपने दोनों ट्राई करी? तो ये मतलब मुझे खानी पड़ेगी अब, क्योंकि हमें खाना वेस्ट नहीं करना होता। तो मतलब वही बचा कुछ मुझे खिलाओगे? अब आप तो दाल रोटी खाओगे। फ्रेंड्स यहाँ पे इतना कुछ खाने के लिए आप देख सकते हो लेकिन जो हम देसी लोग खाते हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल है। तो अब हम जा रहे हैं अपने वही इंडियन पे, तो वहाँ पे कुछ पनीर मखनी और नान लेते हैं और फिर टेबल पर बैठ के आराम से खाते हैं। फ्रेंड फाइनली मैंने अपनी प्लेट भर ली है और मैं दिखाता हूँ मैंने क्या भरा है। ये वही अपना देसी है, पनीर मखनी नान और पापड़। चलो टेबल पे बैठते हैं और खाते हैं। ये क्या पी रहे हो? वेज सुशी खाए करिए। ये क्या पी रहे हो आप? इतना तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या पी रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पी रहे हो, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने फर्स्ट टाइम ये उठाया है तो क्यों उठाया है ये? आई एम वेरी एंग्री। स्पार्कलिंग वाटर आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे। मुझे लगा पापा कभी बियर शियर तो पीते नहीं है आज तक, कभी हाथ नहीं लगाई। फ्रेंड देखो ये वाटर है इटली का और इसकी कॉस्ट इस बॉटल की इंडिया में 500 रुपीज़ है। तो हमने सोचा हम इतने बढ़िया होटल में आए तो हम इसको क्यों ना ट्राई करें। और अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। अगर पानी है तो पानी जैसा ही होना चाहिए, फिर भी लेट अस ट्राई। फ्रेंड जो पानी है लेकिन मुझे लग रहा है पर्सनली इसमें सोडा मिला हुआ है इसकी वजह से पार्किंग है, लेकिन जो टेस्ट है सच में बहुत बढ़िया है। आप लोगों को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ये वाली बॉटल शायद मैं रूम में ले जाऊंगा तो भाई रात भर पीता रहूंगा, तो इतना महंगा पानी पीने का जो मजा है वो रूम में भी आने होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिनी एंड अनन्या ने ट्राई किया है स्पार्कलिंग वाटर, कैसा लगा? कितना गंदा है, छोटी बच्ची हो गया, इतना अच्छा वाटर भी तुम नहीं पी सकती हो। टेस्ट खराब कर दिया। जिनी आपको कैसा लगा? बेकार। मैं आपको बेकार इन बच्चों को ना कि अच्छी चीज का आइडिया ही है कि वो कैसी होती है। तो जैसे बड़े होंगे फिर ये कहेंगे मैं नॉर्मल वाटर में मतलब मजा नहीं आ रहा। देखो सियान को टेस्टी लग रहा है। वाह ये हो गया बात। ये बंदा है ना बॉय है, बॉय है, बॉयज आर ऑलवेज राइट। ध्वनि को भी गंदा लगा। ध्वनि को भी गंदा लगा। गर्ल्स को सीखने में टाइम लगता है पर बॉयज तो बचपन से सीख के सिखाए होते हैं। देखो बॉयज टीम या बॉयज टीम इकट्ठी हो गई है। जिनी आप कहाँ घूम रहे हो और आप क्या ढूंढ रहे हो मुझे बताओ? मुझे ना मैं अपने लिए डेजर्ट ढूंढ रही हूँ। डेजर्ट? अबे दुबई में डेजर्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? क्योंकि हर
नॉन वेजिटेरियन जी, लेकिन मुझे एक बात बता, तू दुबई में डेजर्ट क्यों ढूंढ रही है यार? अभी चीनी ने तो बोला कि मैं डेजर्ट ढूंढ रही हूँ। तो मीठे को तो स्वीट्स बोलते हैं ना, मीठे को स्वीट्स बोलते हैं। तो आप चीनी के पाउचेस लोगे? हम चलते, ये दोनों परेशान हो गए हैं। हम चॉकलेट टॉफी ले रहे हैं। चॉकलेट टॉफी मतलब बूफे में आप चॉकलेट टॉफी लोगे। देखो हम ले आए स्वीट्स, ये गुलाब जामुन आए मेरे लिए। अच्छा सिर्फ आपके लिए? देख लो और प्रीत भैया, ये देखो मैंने अपने लिए, देखो फ्रेंड देखो एक्चुअल में ना उसमें सिर्फ पांच ही थे, तो मैंने सोचा सिर्फ मैं ही खा पाऊंगा। अगर उन्होंने बाउल भर दिया क्योंकि भूख होने वाला खत्म, तो मैं इन लोगों के लिए भी ले आऊंगा। और मैं इन लोगों से नाम चला लेंगे। ये देखो फ्रेंड, मतलब कितनी सारी सीट्स हैं, आपको इन सबका नाम बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे साथ काम करके चलना पड़ेगा। दोनों का काम हो जाएगा। ये डोडा नहीं है, डोडा नहीं है, ये है, ये है बकलावा। हाँ बकलावा, हाँ हाँ ये बकलावा है। दिस इज चॉकलेट, दिस इज व्हाइट चॉकलेट, I don't know this. This is शायद गुलाब, गुलाब की वो है ना? This must be मीठा ढोकला। This must be वेज। लेकिन अब हम इसको खाएंगे और enjoy करेंगे और अब वो हम आपको ले देंगे। One hour later. हाँ जी इसका खाना कैसा था? अच्छा था, but इतना worth नहीं। तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा कि अच्छा था। हमने पैसे दिए उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तुमने क्या दिया? मैंने दिए खर्चा तो मेरा हुआ सारा। मतलब इक्वल है, हद तो भी यहाँ पर अलग अलग है। देखो हम लोग हद तो करती रहते हैं। अब ये बताओ अब हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम तो आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। काश ये बात सच होती कि तुम मेरे पीछे पीछे चलती। जी आप बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो जा रहे हैं, जहाँ मन चले जाए। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं हम साइकिल चलाने जा रहे हैं। मैंने वो दिल्ली में चला लेंगे। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? ये बाइक के लिए जा रहे हैं, तुम साइकिल के लिए जा रहे हो, हम लोग कार के लिए जाते हैं। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मरीना वॉक। देखो देखो कोई तो समझदार है हमारी टीम में। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मरीना वॉक। ये देखो एक और समझदार आया। अरे हमें ही नहीं पता था। अरे मुझे ही पता है मरीना वॉक पे जा रहा है। ये देख लो मतलब एक ही थाली के सारे चिट्टे बट्टे यही हैं। चलो हम मरीना वॉक चल ही पड़ते हैं। अब हम आ गए हैं दुबई मरीना। यस दुबई मरीना। और यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स बिल्डिंग, इसमें से तीन चार मेरी हैं। अच्छा दो okay. मैंने जीनी के लिए लिए ताकि शादी वादी हो जाए। अच्छा और तीन में सोच रहा हूँ धोनी के लिए ले लूँ। अच्छा और देखो जो इनका रेंटल आएगा मैं उसे सोच रहा हूँ, मतलब मेरा बुढ़ापा निकल जाएगा। अच्छा ओके यहाँ पर यहाँ पे यॉट है, बोट्स है बहुत सारी और इतनी मस्त है के ये, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग एक बोट राइड भी ले लें और एक यॉट राइड भी ले लें। जी तू क्या सोच रहे हैं कि हम ले? बिल्कुल लो अब लेकिन लो। लेकिन जिनी हम तभी ले पाएंगे जब तेरे को एक ये पहले बिल्डिंग बेचनी पड़ेगी जो मैंने अभी दिखाई थी, क्योंकि इसका रेंट बहुत ज्यादा। तो तैयार है बिल्डिंग बेचने के लिए? आपकी है ना, बेचो। तेरी नहीं है ध्वनि, तू क्या कहती है? पापा आपको पता है इस पानी के अंदर क्या है? मुझे भी दिखाओ उस पानी के अंदर क्या है। इसके अंदर बहुत सारी गंदगी है लेकिन मुझे लग नहीं रहा था दुबई में गंदगी मिलेगी। कचरा है फ्रेंड्स, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था ना। मैंने करेक्ट, लेकिन फ्रेंड्स मतलब मेरे को नहीं लगता था कि दुबई में मुझे ऐसी गंदगी देखने को मिलेगी। आई एम रियली शॉक्ड फ्रेंड्स। देखो हम बस दुबई मरीना वॉक पे वॉक कर रहे हैं। एक्चुअल में बहुत अच्छी जगह है बट हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बहुत लेट हैं। हमेशा की तरह हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे लेट, क्योंकि हम लोगों के लिए आप मतलब हम लोगों को आपको व्लॉग बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक फोटो सेशन हो जाए हमारा। तो यहाँ पे अभी इनका फोटो सेशन चल रहा है। भाई साहब आप कौन हो? हम कोई है, हम कोई है, कोई हो कुछ हो, ये कोई है राइट वाली, ये कुछ है, ये बीच वाले, भाई साहब कौन है?
ये पता नहीं है। ओके सियान ये सियान है, लेफ्ट वाला कुछ है और राइट वाला कोई नहीं है। और ये बीच में किसका सर निकला, ये कौन है? ये कौन है? मत करो। ये मंकी है और ये बंदर है। बंदर है ये मंकी, ये बंदर और ये छुटकी कौन है? छिपकली। छिपकली तो यहाँ पे सही फोटो सेशन चल रहा है। A few hours later. तो फ्रेंड्स हम मरीना वॉक से आ गए हैं और हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सब कुछ बंद हो गया था बट फिर भी हमने दुबई की रोड्स बहुत एंजॉय की। हमने मतलब दुबई स्ट्रीट्स घूमी है। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने पूरा दुबई घूमा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं दुबई सड़कों पे तक के खाए हैं। तो फ्रेंड्स वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।